हाँ, बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया था थोड़ी देर के लिए, शायद कहीं इंटरनेट में प्रॉब्लम आई होगी। तो हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से अर्नब ने पत्रकारिता की, वो एक गलत तरीके से बयानबाजी करके पत्रकारिता की, एक गलत तरह की बात उन्होंने लोगों पर इम्पोज करने की कोशिश की, लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती 302 लगाकर, 307 लगाने की बात की, और इस तरह की धाराएं लगा लगा कर वो बातचीत करते रहते थे। सुशांत के लिए इंसाफ मांगने के लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई, क्योंकि सुशांत बिकता है तो टीआरपी में भी फायदा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर रवीश कुमार जी, जिन्होंने कम एडवर्टाइजमेंट्स के साथ में, कम रेवेन्यू के साथ में अपने चैनल को चलाने की हिम्मत दिखाई है, रवीश कुमार जी के चैनल पर कोई नहीं आता है, कोई बीजेपी का नेता नहीं आता है, जहां पर पूरी की पूरी रेजिमेंट, पूरी की पूरी फौज अर्नब गोस्वामी के पैसे के पावर के सामने, अर्नब गोस्वामी के प्रोपेगेंडा के पावर के सामने, अर्नब गोस्वामी के स्टाइलिश जो है शो ऑफ के सामने सारी रेजिमेंट खड़ी हो गई है बीजेपी की। रवीश कुमार जी के चैनल में कोई भी जाने को तैयार नहीं है, जबकि उन्होंने रिस्क लेकर एक मुहिम शुरू की है। रवीश कुमार जी ने रिस्क लेकर ये बताया देश को कि देश की बात करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, इरिलेवेंट ऑफ एनीथिंग। सबसे ज्यादा जो उन्होंने महत्व दिया रवीश कुमार जी ने, वो अपने देश के मुद्दों पर दिया, देश की बेरोजगारी पे दिया है, देश की गरीबी पे दिया है, देश में नोटबंदी पे दिया है, और ये सारे मामले जो है बीजेपी के किसी भी नेता को पसंद नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं, जिनको मैं लगातार पढ़ती आई हूँ, सुनती आई हूँ, समझती आई हूँ, और मुझे समझ में आ रहा है कि जिस तरह की पत्रकारिता अर्नब गोस्वामी करते हैं, उनसे अगर मुंबई पुलिस अपना हिसाब फिक्स कर रही है तो ये उनका पर्सनल मामला है, और पत्रकारिता के लिए नहीं, ये सुसाइड का मामला है, किसी के सुसाइड का मामला है। एक इंसानियत के नाते अगर हम देखेंगे तो किसी को सुसाइड के लिए हमें उकसाने की कोई वजह नहीं बनती। जिस तरह से खुदकुशी का नोट अर्नब गोस्वामी के लिए मिला हुआ है, वो अपने आप में दिल दहला देने वाला है, और अपने आप में एक बहुत बड़ा आई ओपनर है कि सामने से जो जैसे दिखते हैं लोग वैसे होते नहीं हैं। और एक स्टूडियो तो बनवा लिया उन्होंने रिपब्लिक भारत के चैनल का, लेकिन स्टूडियो की पेमेंट्स उन्होंने करने से साफ मना कर दिया, या पेमेंट्स में कमी कर दिया, जो कुछ भी मैटर रहा हो। लेकिन फिर भी हमारा अमित शाह जी, जो बिहार इलेक्शन के लिए निकल के नहीं आ रहे हैं, जो हाथरस की घटना के लिए निकल के नहीं आ रहे हैं, जो बलरामपुर की घटना के लिए निकल के नहीं आ रहे हैं, जो बल्लभगढ़ की घटना के लिए निकल के नहीं आ रहे हैं, जो निकिता तोमर का कांड हो गया अभी रिसेंटली, उसको गोली मार दी, तो ये सब में नहीं निकल के आ रहे हैं, बिहार इलेक्शन में भी एक भी बार आए नहीं है, लेकिन अब ये अर्नब गोस्वामी के लिए निकल के आ रहे हैं और बता रहे हैं कि इट रिमाइंड्स अस ऑफ इमरजेंसी, इट्स एन अटैक ऑन प्रेस, प्रेस पे अटैक है ये। और उन्होंने बहुत ज्यादा कंडेम कर दिया इस पुलिस के रवैये को, अमित शाह जी ने बहुत ज्यादा कंडेम कर दिया है, जबकि कोई भी मुंबई का पत्रकार इस जाति मामले में बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अमित शाह जी निकल के आ रहे हैं पत्रकार की तरह, बिल्कुल तरीके से लिख रहे हैं कि कांग्रेस एंड इट्स अलायंस हैव शेम डेमोक्रेसी वंस अगेन एंड ब्लैटेंट मिसयूज ऑफ स्टेट पावर अगेंस्ट रिपब्लिक टीवी। मतलब जो स्टेट की पावर है, जो मुंबई पुलिस की जो पावर है, जो मुंबई मुंबई गवर्नमेंट की जो पावर है, वो जबरदस्ती अर्नब के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। तो क्या हमेशा टेलीविजन नहीं देखते हैं? उनको एक बार रिपब्लिक भारत देख लेना चाहिए और वो सुसाइड का नोट एक बार पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद में संबित पात्रा ने तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जो मतलब अर्नब के चैनल पे आके एक एक की ऐसी ऐसी बैंड बजाते थे, बुरी तरह से बैंड बजाते थे। राजीव त्यागी जी की तो शायद उसमें हार्ट अटैक भी आ गया था उनको, और जिस तरह से वो बैंड बजाते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। शायद इतनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस इनको करनी थी, तो मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार 6 साल में करवा लेते, लेकिन अर्नब के लिए निकल के संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि ये बहुत गलत काम किया है मुंबई की पुलिस ने। उन्होंने बताया है कि अगर सुसाइड हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। मतलब वारंट, जो अरेस्ट वारंट निकला है, उसको लेके संबित पात्रा जी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, संबित पात्रा जी इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो गलत है। उसके बाद में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने बताया है कि ये जो है ये
गलत तरीके की हरकत मुंबई पुलिस ने की है। उन्होंने बताया है कि ये अत्याचार किया जा रहा है अर्नब गोस्वामी के साथ में, जबकि मैं आपको बता दूं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है पिछले पिछले हफ्तों में कि यूपी यूपी की जो सरकार है वो मासूमों के खिलाफ गौ हत्या के जो कानून है उसको मासूमों के खिलाफ लगा रही है और मिसयूज कर रही है गौ हत्या के कानूनों का। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जो निकल के अर्नब गोस्वामी के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, मैं आपको बता दूं योगी आदित्यनाथ जो है वो बिहार के मधुबनी में बैठे हुए हैं, मधुबनी में बैठ के इलेक्शन कैंपेनिंग चला रहे हैं और वो अर्नब के लिए उठ खड़े हुए हैं। इतना ज्यादा प्यार है अर्नब गोस्वामी से कि क्या बताएं आपको, इतना ज्यादा सारे बीजेपी के लीडर्स को प्यार है। तो ये है कमाल पैसों की ताकत का, ये है हाई क्लास न्यूज चैनल होने का फायदा, और ये है मतलब सारे के सारे नेता निकल के आ रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हैं वो भी निकल के सामने आए हैं, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह निकल के सामने आ रहे हैं, सभी बड़े सिंपैथी दिखा रहे हैं अर्नब के साथ में। तो फिर 6 महीने तक जब अर्नब इस तरह की पत्रकारिता कर रहे थे जो गलत पत्रकारिता है, 302 मांग रहे थे, 307 मांग रहे थे, तो फिर सारे नेता कहाँ थे। खैर ये तो चीज है अपने आप में, एक जो सारे नेता निकल के आ रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा प्राइड सब्जेक्ट है अर्नब गोस्वामी के लिए। जिस तरह से पुलिस सुबह घुस गई है और सोशल मीडिया पे दिन भर ट्रेंड कर रहा है कि किस तरह से पुलिस ने बदतमीजी की है, अर्नब को घसीटा है लिटरली, और मैंने देखा है सोशल मीडिया पे उल्टे पुल्टे कमेंट बाजी आ रहे हैं, कुत्ते की तरह बोल रहे हैं घसीटा है, ऐसे घसीटा है, दुनिया भर की बातें कहते हैं लोग। और खैर हमें उन सारे टीका टिप्पणियों से मतलब नहीं है, हम मुद्दे की बात करेंगे। जिस तरह से सारे नेताओं ने अर्नब को सपोर्ट किया है वो वास्तव में तारीफ के काबिल है, और अर्नब गोस्वामी की जो है कैपेबिलिटीज को दिखाता है, अर्नब गोस्वामी की हाई क्लास जो है फंडे को दिखाता है। ये भी बताया गया है बीजेपी नेताओं ने, तो ये भी बताया है कि ये इमरजेंसी का काल लग गया है और जो अर्नब गोस्वामी की तुलना जो है रामनाथ गोइंका से कर दिए, क्योंकि जब इमरजेंसी लगाया था इंदिरा गांधी ने 1970 में तो रामनाथ गोइंका की जो एक्सप्रेस पर हमला किया गया था, उसकी रामनाथ गोइंका की जो एक्सप्रेस पर जो है सरकार के हिसाब से खबरें छपा करती थी, तो उसी तरह से अर्नब गोस्वामी को भी इस्तेमाल किया है। ये अर्नब गोस्वामी की तुलना रामनाथ गोइंका जी से कर दी है और जो रिपब्लिक भारत है उसकी तुलना जो है वो एक नेशनल टेलीविजन और नेशनल पेपर से कर दी गई है, नेशनल न्यूज़पेपर से कर दी गई है, और बहुत बड़ी तवज्जो दी जा रही है अर्नब गोस्वामी जी को सारे ही बीजेपी के नेताओं द्वारा। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि इतनी ज्यादा जो है शोहरत अर्नब गोस्वामी ने हासिल की है और इतनी खतरनाक लेवल की फेवरेटिज्म जो है अर्नब गोस्वामी को मिल रही है। हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, हम आगे बढ़ते हैं। बिहार में विकास की नदी फिर से बह गई है और बिहार में विकास की नदी इस तरह से बह गई है कि प्रधानमंत्री मोदी जो विकास के लिए प्रतिबद्ध थे, प्रधानमंत्री मोदी निकल के सामने आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से अपने पुराने राग अलापने लगे हैं और वही जो जुमलेबाजी तो करने ही लगे हैं, क्योंकि मैंने बताया संसद में कम और सड़क पे ज्यादा बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है बैक टू स्क्वायर वन पे आ गए हैं। उन्होंने बोला है कि जो बिहार में जय श्री राम के नारे नहीं लगाएगा, जो बिहार में जय भारत माता के नारे नहीं लगाएगा, उसको बिहार मतलब वो बिहार विकास के लिए नहीं है, उसको जो है बिहार विकास में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसको जो है बिहार में रहने का अधिकार नहीं। मतलब पता नहीं अब मोदी जी क्या ये नया राग अलापने लगे हैं, ले दे के उसी पर आ जाते हैं भारत माता और ले दे के जय श्री राम पे आ जाते हैं, कहीं बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पे गरीबी की बात नहीं कर रहे हैं। बिहार में जितनी योजनाएं आई हुई अभी तक ये सिर्फ पेपर्स पे लिखी हुई है, कागजी कार्रवाई की चलते सिर्फ योजनाएं आई हुई है, उसका कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ योजनाओं का, चाहे वो जन कल्याण योजना हो, वो कौन सा प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, वो सिलेंडर वाली योजना हो, उज्ज्वला योजना, कहीं पर भी बिहार के लोगों तक फैसिलिटेशन जो है योजनाओं का फैसिलिटेट नहीं हुई है योजनाएं। फैसिलिटेशन के मामले में बिहार बहुत पीछे हैं, बिहार की महिलाएं, बिहार के पुरुष, बिहार के बच्चे, बिहार के युवा चीख चीख कर बोल रहे हैं कि बिहार हर मामले में पिछड़ा हुआ है, जबकि बिहार का जो है क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बिहार एक विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल सकता था जिस तरह से लगातार योजनाएं बिहार में चल रही है, लेकिन बिहार में जो है बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा बना हुआ है। बिहार की जनता जो है नीतीश कुमार जी से परेशान है और मोदी जी के भाषण और भी उनके घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, और मोदी जी अपने पुराने वही जलवे दिखा रहे हैं जो जलवे वो पिछले 6 सालों में रैलियों में दिखाते आए हैं, लेकिन इस बार बिहार की जनता उनके जलवे झेलने के लिए रेडी नहीं है और बिहार की जनता जो है एक तरह से
प्रतिकार कर रही है, प्रतिशोध कर रही है, और एक तरह से धुआंधार गुस्सा उनके दिल और दिमाग में छा गया है। जिस तरह से वो पैदल आए हैं, जिस तरह से भूखे प्यासे वो धूप में चले हैं मई जून के महीनों में, अप्रैल के महीनों में, जिस तरह से उनको जॉब से निकाला गया है, कुछ लोग तो जानबूझ के वोट देने के लिए वहां पर रुक गए हैं, और सभी लोग जो है कहते हैं लालू का जंगल राज ही है, लेकिन हम लोग जो है सुख सुविधा से संपन्न थे, लेकिन जब से लालू जी जेल में गए हैं इन लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई है, बेरोजगारी भूखमरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा गंदगी है बिहार में, बाढ़ लगातार बिहार में आती रहती है और पुल पे पुल टूटते रहते हैं, सड़कें बहुत गंदी है, उद्योग धंधे हैं नहीं, कहीं पर कोई नया उद्योग धंधा पिछले 15 सालों में लगा नहीं है। इसको देखकर जो है बिहार की जनता बहुत ज्यादा आंदोलित है, उद्वेलित है, और मुझे लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इसकी जो है जो गलत चीजें बिहार में हुई है पिछले 15 सालों में, उसका कहीं ना कहीं फायदा तेजस्वी यादव को जरूर मिलने वाला है। और तेजस्वी यादव युवा है, एक 31 साल के युवा होने के नाते जो है उनकी सोच कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं से मिलती है, 46% बेरोजगारों से मिलती है, तो इसीलिए 46% युवा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के खाते में चले जाएंगे और तेजस्वी यादव जीत जाएंगे। खैर, हम लोग इंतजार करेंगे 9 तारीख का, बताते तेजस्वी यादव का बर्थडे भी है और लालू यादव की रिहाई भी है, और 10 तारीख को और नीतीश की विदाई है, इस तरह से तेजस्वी यादव अपनी बयानबाजी में कह रहे हैं। खैर, देखने वाली बात होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बॉलीवुड में प्रोस्टिट्यूशन है? तो मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड में प्रोस्टिट्यूशन है या नहीं है, ये आप लोग डिसाइड कीजिए, मगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताती हूँ, जो कि ये है कि बॉलीवुड में जो फिल्में बनती है वो कई कई करोड़ों की बनती हैं, और जब से कॉरपोरेट कल्चर बॉलीवुड में आया हुआ है तब से फिल्मों की जो कॉस्टिंग है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है, और बहुत हाई क्लास फिल्में बनती हैं, छोटे मोटे गरीबों का, छोटे मोटे 2-5-10 करोड़ के लोगों का गरीबी हो गए बॉलीवुड के हिसाब से, 2-5 करोड़ के लोग, तो 2-5-10 करोड़ के लोगों का बॉलीवुड में कोई लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं है। अगर आप एक्ट्रेस बनना चाह रही है और अगर आपको प्रॉपरली लॉन्च होना है, जैसे कि आलिया भट्ट हो रही है, जैसे कि दीपिका हो रही है, जैसे कि अनन्या पांडे जो रिपीट की एड में आती है, रिपीट, तो उस तरह से अगर आपको लॉन्च होना है तो आपको 20 से 25 करोड़ का बजट आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको प्रोस्टिट्यूशन में घुसना पड़ेगा। कैसे, आपको मैं बता दूं, बॉलीवुड में कोई भी फिल्म अनाउंस होती है या पेपरबाजी में आती है कोई फिल्म, तो उसमें हीरो का नाम ही बताया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, जिस तरह से कंगना ने बताया, जिस तरह से मल्लिका शेरावत ने बताया, कि अगर वो डायरेक्टर्स को और फिल्म के हीरो को खुश नहीं कर पाती है, उनको प्लेजर नहीं दे पाती है, वो नाइट स्टे नहीं कर पाती उनके साथ में, तो उनको उनके हाथ से फिल्म निकल जाती है, नो मैटर इसके पहले हीरोइन ने कितनी फिल्में हिट दी है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। फिल्में जो हैं सिर्फ हीरो की वजह से बिकती है बॉलीवुड में, हीरोइन की वजह से फिल्में नहीं बिकती है, और जो हीरोइन जैसे मल्लिका शेरावत, कंगना रनौत जैसी लड़कियां जो अपने बलबूते पे कुछ फिल्में हिट देने के बाद में अपने बलबूते पे आगे बढ़ने की कोशिश करती, उनको दबाया जाता है, उनको कुचला जाता है, उनको गंदी गंदी अब्यूजिव लैंग्वेज से उनको नवाजा जाता है, उनको उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया जाता है, पूरी तरह से उनके कैरेक्टर की बैंड बजा दी जाती है। जैसे कि इनके घरों में लड़कियां जो होती है वो किसी मंदिर में विस्थापित है, जैसे इनके घरों की लड़कियां जो है मंदिर में जाकर बैठी हुई है, और इस तरह से ये दूसरी लड़कियों का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कंगना रनौत बोलती है कि 2 मिनट के रोल के लिए हीरो के साथ सोना पड़ता है, एक गाने के लिए हीरो के साथ में रिलेशनशिप में आना पड़ता है, एक आइटम सॉन्ग के लिए। बताया जाता है कि बहुत सारी बोल्ड बालाएं हैं हमारे यहाँ पे जो ऐसा करने में लगातार सफल हुई है, जैसे दीपिका है, जैसे अनुष्का है, जैसे कटरीना है, जैसे और भी लड़कियां हैं, लगातार ये सफल हुई हैं अपने कारनामे करने में और अपने अपनी फिल्में हथियाने में। ऐसे लकी लोग सिर्फ 1% लड़कियां ही ऐसे लकी लोगों की कैटेगरी में आती, सिर्फ 1% लड़कियां, बाकी लड़कियां चक्कर काटती रहती है, क्योंकि जब एक बार हीरो के नाम के साथ में फिल्म अनाउंस हो जाएगी तो बाकी लड़कियों के पास में चक्कर काटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगी, बाकी लड़कियां सिर्फ चक्कर काटेगी, यही उनके पास में ऑप्शन है, क्योंकि अगर वो चक्कर नहीं काटेगी तो फिर हीरो खुश कैसे होगा, अगर वो लड़कियां चक्कर नहीं काटेगी तो डायरेक्टर खुश कैसे होगा। तो आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा मात्रा में प्रोस्टिट्यूशन होता है।
और जो लड़कियां सेटल्ड लड़कियां हैं, जो चार छह पिक्चरों में आ गई उनकी बात तो ठीक है, जो लड़कियां सेटल्ड नहीं है, जो अपना नाम अपना फेस वैल्यू नहीं बना चुकी है, अपना नाम नहीं बना चुकी है, वो लड़कियां और 100-200 एड ऑन हो जाती है। तो आप बताइए प्रोस्टिट्यूशन कितना ज्यादा मात्रा में चल रहा है, कितना ज्यादा जो है लड़कियों की भरमार लगी हुई, लड़कियों का एक बाजार लगा हुआ है, लड़कियों की काला बाजार एक तरह से बॉलीवुड वाले कर सकते हैं, इतनी ज्यादा लड़कियां वहां पर है। लेकिन हाँ, इनकी घर की जब लड़कियां आती है, जब करीना कपूर आती है तो दूध की धुली हुई आती है, जब आलिया भट्ट आती है तो दूध की धुली हुई आती है, उनके बारे में भी आप सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप लोगों के पास मगर थोड़ा भी लॉजिकल माइंड होगा, थोड़ा भी आपके अंदर रैशनैलिटी होगी, थोड़ा भी आपका दिमाग अगर चल पाता होगा, तो आप बताइए कि एक हीरोइन जब 15 फिल्में फ्लॉप दे देती है, तो कैसे 15 फिल्म फ्लॉप देने के बावजूद भी एक हीरोइन जो है वो नंबर वन बन जाती है, एक हीरोइन 10 फिल्में देने के बाद भी फ्लॉप, 10 फिल्में फ्लॉप देने के बाद भी नंबर वन बन जाती है। बहुत सारी हीरोइंस जो है, बहुत सारे हीरोज जो है, 12-12 फिल्में देने के बाद भी अगर वो फिल्मी फैमिली से, तो लगातार ए लिस्टर के साथ में काम करते चले जाते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में 2-4-5 बॉयफ्रेंड रोज बनते बिगड़ते रहते हैं उनसे, हालांकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रॉस्टिट्यूशन जो है जम के हैं, और जो ये जो लड़कियां हैं सारी, इनके पास ना अकल होती है ना शक्ल होती है, क्योंकि जब पूरा दिन यही समझने में लग जाएगा कि लिपस्टिक कैसे लगानी है, डिजाइनर ड्रेस कैसे बनवानी है, आईलाइनर कैसे लगाना है, काजल कैसे लगाना है, बालों में कैसे कर्ली हेयर बनाने हैं, और कैसे स्टाइलिंग करनी है बालों की, कौन से स्पा में आज जाना है, ये सारा दिन भर सारा तामझाम इसी में अगर आप दोगे, सारा टाइम इसी में दे दोगे, तो अकल कहाँ से आएगी? और जब अकल नहीं आएगी तो दिमाग कैसे चलेगा आपका, कि आपका क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और एक मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी में आप एक पूरा आप एक सोशल असेट बन के रह जाते हो। तो बॉलीवुड में अगर लड़कियां, विमेन आर सोशल असेट इन बॉलीवुड, और फिर भी उनको दिमाग नहीं आता, फिर भी लड़कियां पीछे भागती रहती है, भागती रहती है, भागती रहती है, पता नहीं लड़कियां रुकने का नाम क्यों नहीं लेती, उनके पास इतना दिमाग क्यों नहीं है कि एक सर्टेन पॉइंट पे जाके रुकने की जरूरत है, एक सर्टेन पॉइंट पे जाके ठहरने की जरूरत है, स्थिरता लाने की जरूरत है। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर लड़कियों का बाजार लगा हुआ है, अगर आप रुक जाएंगे तो कोई और आगे निकल जाएगा अपना एक्सीलरेटर दबा के। सॉरी, आई एम सो एंथू एंड आई एम एंजॉइंग टेलिंग यू द स्टोरी। तो एक्सिलरेटर जो है किसी और का निकल जाएगा, खैर कितने दिनों तक निकलेगा, जो ज्यादा एक्सिलरेटर दबा के अगर निकलती है लड़कियां तो उनका एक्सीडेंट भी बहुत जल्दी हो जाता है, और ऐसे बहुत सारी लड़कियों के एक्सीडेंट होके जो है मूर्छित पड़ी हुई है लड़कियां, और बहुत कम लड़कियां, बहुत कम बोल्ड बालाएं जो है टिक पाई है, बन पाई है, और अपने जो ये नाइट आउट का जो सिलसिला है वो जारी रख पाई है, और उनका सर्कल भी ऐसा है जो उनके नाइट आउट को अफोर्ड कर पा रहा है। उनके नाइट आउट को अफोर्ड करने का मतलब है कि उनको फिल्म दे पा रहा है, ऐसा उनको सर्कल भी लकीली मिल गया है, तो उनका नाइट आउट भी कामगार कामगार साबित हो रहा है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ होने के बावजूद भी हर फिल्म के साथ स्ट्रगल है, हर फिल्म के साथ में बहुत बड़ा कंपटीशन है, और जब एक या दो फिल्म साल में मिलेगी तो मुंबई में खर्चा और लाइफस्टाइल, जब आप डिजाइनर कपड़े पहनेंगे, जब आप लाइनर और लिपस्टिक लगाए बिना, आप जब हाई क्लास मेकअप मैन के बिना आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो फिर प्रोस्टिट्यूशन ही एकमात्र जरिया रह जाता है। जब आपकी हाई क्लास मर्सिडीज को बहुत सारा पेट्रोल डीजल चाहिए होता है, जब आपकी हाई क्लास हेयर को, आपकी आपके हाई क्लास ड्रेस को, हाई क्लास हेयर स्टाइलिश और क्रमशः आपको हाई क्लास हेयर स्टाइलिश और कॉस्ट्यूम डिजाइनर चाहिए होती है, तो फिर बजट तो बढ़ जाता है, और जब बजट बढ़ जाता है तो प्रोस्टिट्यूशन कहीं ना कहीं से निकल के आता है। प्रोस्टिट्यूशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन का जो प्राइस होता है वो इन हीरोइंस को उनके नाम की वजह से, उनका एक या दो मूवीज में आ जाने की वजह से बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन फिल्म के लिए फिर भी स्ट्रगल है, फिल्म के लिए फिर भी उनकी स्ट्रगल जारी है, स्ट्रगल के बिना उनको फिल्म नहीं मिल सकती है, नहीं मिल सकती, नहीं मतलब कॉम्प्रोमाइज करना, ये या तो हीरो के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है उनको, या तो उनको डायरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है, उसके बदले उनको क्या मिलेगा, फिल्म मिलेगी। फिल्म को दिखाकर क्या करना है, फिर कॉम्प्रोमाइज करना है किसके साथ, नॉर्मल लोगों के साथ में, उसके बदले उनको पैसे मिलेंगे। तो कॉम्प्रोमाइज और प्रोस्टिट्यूशन दोनों ही मिली जुली हुई उनकी जिंदगी है, और अगर आप थोड़ी भी अवेयरनेस रखते हैं, आप थोड़ा थोड़ा भी रैशनल माइंड रखते हैं, और आप थोड़ा भी अगर लॉजिकल माइंड आपका चलाएंगे, तो आपको सारी बातें जो मैं बता रही हूँ आपको समझ में आ जाएगी। तो आप खुद समझ जाएंगे कि कितना ज्यादा बॉलीवुड में प्रोस्टिट्यूशन का होना जो है वो सत्य है, और जो रिया चक्रवर्ती का बता रहे कि उसका मेकअप मैन जो है वो भी उसके साथ में सुशांत को लूटने में लगा हुआ था, रिया के
प्रोड्यूसर्स भी सुशांत को लूटने में लगे हुए थे, सब मिलके प्रोस्टिट्यूशन चला रहे थे, रिया के मम्मी, रिया के डैडी, रिया के भाई, सब अंधेरी ईस्ट के वाटर स्टोन रिजोर्ट में आके ठहरते थे, सुशांत के पैसे पे मस्ती करते थे, सुशांत के पैसे पे जो है प्रोस्टिट्यूशन चलाने की कोशिश करते थे, सुशांत के पैसे पे शोशा करके अपने और कई गलत धंधे चलाते थे, सुशांत के पैसों पे ड्रग्स के धंधे चलते थे, सुशांत के पैसों पे प्रोस्टिट्यूशन लड़कियां सप्लाई के धंधे चलते थे। जैसे महेश भट्ट की बहू निकल के आ गई है, बता रही है कि उसका हस्बैंड जो है आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, वो लड़कियां सप्लाई करता है, ड्रग्स का काम करता है, ये करता है, और महेश भट्ट बोलते हैं सो वॉट। तो सो वॉट मतलब एवरीथिंग इज फेयर, एवरीथिंग इज सो कूल, बड़ी मतलब इतना ज्यादा कूल और इतना ज्यादा काम एटमोसफियर की सब 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 कुछ चुपचाप हो जाता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं चलती। जैसे कि हीरोइन हीरोइन बन जाती है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं पहुंचती कि हीरोइन हीरोइन बनी कैसे। तो यही मेरा आपको समझाने का मकसद था। अगर आपके पास आपका दिमाग का ऊपरी हिस्सा अगर आपका ज्यादा काम करता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोस्टिट्यूशन किसको कहते हो। कंगना और मल्लिका शेरावत जो बताती कि उनके हाथ से 20-25 फिल्में ऐसे ही निकल जाती है क्योंकि वो हीरो को खुश करने के लिए ना बोल देती है, वो डायरेक्टर को खुश करने के लिए ना बोल देती है, वो अपनी जिंदगी की चॉइसेस और अपने जिंदगी के डिसीजंस जो है खुद लेती है, किसी के प्रेशर में नहीं आती है, इसीलिए उनके साथ में ऐसा होता है। हालांकि अच्छी बात है अगर ऐसा इन लड़कियों के अंदर डेयरिंग वाला एटीट्यूड है तो ये काबिले तारीफ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो है प्रयागराज में पूजा चल रही है, और प्रयागराज में पूजा क्यों, प्रेसिडेंट ट्रंप को जितवाने के लिए। मतलब अपने देश का तो जो हालत है वो देख नहीं रहे, अपने देश का जो माहौल है वो तो देख नहीं रहे हैं, अपने देश की जो बिगड़ी हुई परिस्थिति है वो तो देख नहीं रहे लोग, लेकिन इतने अंधभक्त हैं, इतने मतलब इतनी ज्यादा दिमाग की किल्लत है लोगों में, इतनी ज्यादा दिमाग की किल्लत आन पड़ी है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को जितवाने के लिए पूजा पाठ में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं हालांकि हमारे मोदी जी भी जो है अब की बार ट्रंप सरकार करके आए थे, जो फॉरेन पॉलिसीज के अंतर्गत गलत है। हम कहीं जाकर किसी प्रेसिडेंट के लिए हम अब की बार ये इसकी सरकार उसकी सरकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पे जब अगर अपोजिशन में जीत हासिल हो जाती है किसी प्रेसिडेंट को तो फिर जो है हमारे देश के लिए खतरे मंडराने लगेंगे, जो बहुत ही हमारे लिए संकटमयी संभावनाएं पैदा कर सकते हैं, जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहती थी। तो आज के लिए इतना ही, मैंने आपको प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शंस के बारे में बताया, बिहार के इलेक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया किस तरह से विनोद दुआ पे राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया, और सारी जो नाटकीय अंदाज में जो है ये पूरा ट्विटर जो परोसा जा रहा है, और जिस तरह से रेजिमेंट बना के बीजेपी के नेता अर्नब को सपोर्ट कर रहे हैं, अर्नब के सारे ड्रामे जो है बहुत वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, और जो है अर्नब की गिरफ्तारी के बारे में जो जिस तरह के लेटर्स जो है खुदकुशी के लेटर्स अन्वय नाइक के और कुमुद नाइक के वायरल हो रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स के बयानबाजी वायरल हो रहे हैं, वो सभी चीज़ें मिला के मैंने आज आपको बताया है। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।